बढ़ेंगे आगे। दिल्ली कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है और इसी कड़ी में बदरपुर जिले की कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया, जिसके तहत दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने जनता का सकारात्मक फीडबैक साझा किया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आज बदरपुर जिले की कार्यकारिणी बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के आपसी जंग से दिल्लीवासी परेशान हैं और पिछले 10 सालों में राजधानी में नागरिक सुविधाओं के लिए लोगों को जिस तरह समस्याओं को झेलना पड़ा, दिल्ली वाले कांग्रेस के सुव्यवस्थित शासन की बात कर रहे हैं। दिल्ली में एक बार फिर कांग्रेस को शीर्ष पर लाने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना है, जिसके लिए जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की कार्यकारिणी और मासिक बैठकों में कार्यकर्ताओं सहित क्षेत्रीय लोगों के रुझान से संभव होता दिखाई दे रहा है। कल पटपड़गंज थी, आज बदरपुर में है और कल फिर अन्य जगह पर हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम इनको कर रहे हैं। विशेष इसका महत्व ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे संगठन को उनकी क्या भावनाएं हैं उनको जान सकें, आगे कैसे हम उनको लेके जाना चाहते हैं, किस तरीके से चुनाव की तैयारी करना चाहते हैं, संगठन में किस किस तरीके की परेशानियाँ दिक्कतें आती हैं और क्या क्या समस्याएं जो इन जनरल हैं। खास तौर पे दिल्ली लेवल की बातें तो अक्सर हमारी होती ही रहती हैं, लेकिन क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में भी हम इस दौरान चर्चा करते हैं। ये एक संगठन की बिल्डिंग का निरंतर जारी जो हमारा प्रोग्राम है वो है। आपने देखा होगा कि हमने ब्लॉक की मीटिंग शुरू की है जो हर महीने की 2 तारीख को हुआ करेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी पर हमलावर होते हुए कहा कि पिछले इतने सालों से भ्रष्टाचार और झूठे वादों के अलावा आपने कुछ नहीं किया। देवेंद्र यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी लगातार जनविरोधी फैसले ले रहे हैं, जिन पर आपके साथ मिलकर कांग्रेस की ओर अपना विरोध भी प्रकट करना है। इसमें कुछ कमियां भी आएंगी, लेकिन हमें संगठन को मजबूत बनाने के लिए एकजुटता के साथ काम करना है। देखिए, हम जनता की सोच के साथ अपनी सोच मिलाने का काम करते हैं। हमारी ये कोशिश है कि जो जनता की जरूरतें हैं उनको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। हम विजन डॉक्यूमेंट अभी उसके बनाने के प्रोसेस में शुरू हो गए हैं। अभी से हम अपने संगठन की मजबूती के लिए ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट या प्रदेश के लेवल पर बल्कि ब्लॉक और जो हमारे मंडलम हैं, हमारे सेक्टर्स हैं और बूथ तक की तैयारियां आज हम लगातार जारी है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम एक अच्छा विजन डॉक्यूमेंट के साथ, जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके, ऐसे विजन डॉक्यूमेंट के साथ लोगों तक जाने का काम करेंगे। बहरहाल आपको बता दें, सभी जिला अध्यक्षों को वार्ड अनुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बनाने के लिए ड्राफ्ट दे दिया गया है और हर वार्ड को 2 मंडलम और 6 से 7 पोलिंग का एक सेक्टर बनाने का काम अगले 10 दिनों में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष व ब्लॉक अध्यक्ष अपनी बैठकों में अग्रिम संगठनों, सेल और विभाग के पदाधिकारियों सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को जरूरी तौर पर बुलाना होगा। रिया राय, टोटल टीवी, दिल्ली।